हेलो स्टूडेंट हियर आर वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्लास सिक्स साइंस क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर वन चैप्टर नेम इज़ फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम यानी कि भोजन ये कहाँ से आता है ओके okay? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका हाउ डज़ फूड हेल्प अस भोजन हमारी सहायता कैसे करता है ओके okay? आंसर है फूड हेल्प अस टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी एंड एंड ऑल्सो हेल्प टू प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम डिजीज एंड रिपेयर वॉर्न आउट टिश्यूज़ ठीक है फूड हेल्प अस टू ग्रो भोजन खाना जो होता है हमें ग्रो करने में यानी कि हमें हमारी बॉडी को वृद्धि करने में और हमें स्वस्थ रहने में हमारी सहायता करता है एंड ऑल्सो हेल्प टू प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम डिजीज़ और बीमारियों से हमारी बॉडी को बचाता है एंड रिपेयर बॉन आउट टिश्यूज़ और हमारे जो टिश्यूज होते हैं बॉडी के अंदर ठीक है टिश्यूज से बनके आपको बताइए कि आ, अभी आगे चल के आप पढ़ोगे कि एक सेल होती है सेल से हमारा टिश्यू बहुत सारी सेल जो होती हैं वो ज्वाइन हो के एक हमारा टिशूज़ बनाती हैं और टिशू मिल बहुत सारे टिशू मिल एक ऑर्गन बनाती है और ऑर्गन मिल ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं ठीक है ठीके? तो जो हमारी बॉडी के अंदर टिश्यूज़ होते हैं उनको वॉन आउट करने में जो मतलब उनमें अगर कोई भी डैमेज हो जाता है कोई भी ख़राबी आती है तो उनको रिपेयर करने में हेल्प करते हैं ठीक है भोजन हमारी हेल्प करता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ डू ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड तो जो ग्रीन प्लान हैं वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं अपना खुद का भोजन अपने आ, कैसे बनाते हैं ठीक है तो ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर एंड वाटर फ्रॉम सॉयल दिस प्रोसेस इज कॉल्ड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस ओके तो ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन हरे पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन सनलाइट की प्रेजेंस में जो सूर्य सूर्य की रोशनी में अपना भोजन बनाते हैं यूजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड हवा से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्व करके ठीक है और पानी से पानी को यानी कि सॉइल से पानी 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 को किससे ऑब्जॉर्व करते हैं वो सॉइल से ठीक है क्योंकि हम पौ, पौधे में पानी जो लगाते हैं हम उसकी मिट्टी में जो होती है तो फ्रॉम द रूट जड़ों के थ्रू वो पानी को एब्जॉर्व करता है ठीक है तो जड़ों वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है वाटर एंड एयर की प्रेजेंस में प्रेजेंस इनकी सहायता से ठीक है सनलाइट की प्रेजेंस में ये अपना भोजन बनाते हैं और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इट्स कॉल्ड फोटोसिंथेसिस ठीक है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बोला जाता है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम टू प्लांट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट वी ईट तो आपको नीचे कुछ दिए गए हैं पॉइंट्स ठीक है points, जैसे कि रूट्स स्टेम लीव्स ठीक है फ्लावर्स फ्रूट्स सीड्स इन सभी पार्ट्स के ठीक है दो 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 प्लांट लिखने हैं प्लांट नेम लिखने हैं जिनका हम ये पार्ट खाते हैं यानी कि आपको पता है कि डिफरेंट प्लांट्स के हम डिफरेंट पार्ट्स ठीक है खाते हैं अलग अलग पौधों के अलग अलग भागों को हम खाते हैं ओके तो किस पौधे में जैसे कि रूट रूट किस किस पौधे की खाते हैं स्टेम किस पौधे की खाते हैं लीव्स किसकी खाते हैं फ्लावर्स किसके खाते हैं फ्रूट्स किसके खाते हैं एंड सीड किस किस ईट करते हैं ठीक है तो रूट किस किस की खाते हैं कैरेट एंड रेडिस कैरेट एंड रेडिस ज़मीन के अंदर होती हैं एज अ रूट ग्रो करती हैं तो हम उनको ईट करते हैं ओके ठीक है और तो, नेक्स्ट हमारा है स्टेम स्टेम किस किस की खाते हैं पोटैटो एंड जिंजर एज यू नो दैट कि पोटैटो एंड जिंजर आर ऑल्सो ग्रोन इन अंडर द soil ठीक है सभी जानते हैं कि पोटैटो आलू और हमारा अदरक जो होता है वो भी मिट्टी के अंदर ग्रो करता है यानी कि ज़मीन के अंदर ही ग्रो करता है ठीक है बट दे आर नाट अ रूट ये आपको समझना है कि वो जड़ नहीं होती हैं दे आर कॉल्ड स्टैम्स क्या होते हैं वो स्टैम होते हैं पोटेटो एंड जिंजर इस्टेम कैटेगरी में आते हैं ओके okay? नेक्स्ट है हमारा लीव लीव्स यानी कि पत्तियाँ हम किसकी खाते हैं स्पिनच एंड कैबेज ठीक है पालक और पत्ता गोभी की हम पत्तियों को कंज्यूम करते हैं एज अ फूड ठीक है नेक्स्ट है हमारा फ्लावर्स फ्लावर्स किसके खाते हैं कॉली फ्लावर एंड लेट्यूस ठीक है फूल गोभी और लेट्यूस होता है ठीक है इन दोनों के हम फ्लावर्स को ईट करते हैं ठीक है फ्रूट्स किसका खाते हैं हम टोमेटो एंड ब्रिंजल, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है ब्रिंजल है यहाँ पे, ठीक है ब्रिं एम हो गया है ब्रिंजल है ठीक है टोमेटो एंड ब्रिंजल, टमाटर और बैंगन को हम एज अ फ्रूट ईट करते हैं ओके नेक्स्ट हमारा है सीड सीड किसके खाते हैं हम किडनी बीन एंड मूंग ठीक है जो आपका क्या होता है राजमा जो होता है उसे हम किडनी बीन बोलते हैं राजमा और मूंग और दूसरे भी और भी बहुत इन सभी के और भी दूसरे प्लांट्स हैं ठीक है बट यहाँ ओनली टू टू डिस्कस करने के थे इसलिए मैंने ओनली आपको दो दो बताए हैं ठीक है तो इन सब के पार्ट्स जो हम ये कंज्यूम करते हैं ओके तो हियर इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नेम्स ऑफ एनी फाइव एनिमल प्रोडक्ट देट वी ईट एज अ फूड यहाँ पर आपको फ़ाइव एनिमल प्रोडक्ट लिखने हैं प्रोडक्ट के नाम लिखने हैं जिन्हें हम एज अ फूड ईट करते हैं एज अ भोजन आ, मतलब उनको खाते तो product, uh, are, हम खाते हैं तो द प्रोडक्ट दैट वी ईट एज अ फूड आर प्रोडक्ट जो कि जिन्हें हम एज अ फूड ईट करते हैं वो हमारा मीट एग हनी मिल्क कर ठीक है तो क्या आ, जान कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो लोग जानवरों का मांस भी खाते हैं ठीक है और एग्स भी खाते हैं ठीक है और हमें उनसे हनी मिलता है यानी कि मधुमक्खी से हमें हनी मिलता है ठीक है शहद उसे भी हम खाते हैं दूध मिलता है उसी दूध को हम दही बनाते हैं ठीक है तो ये मिल आ, एनिमल प्रोडक्ट हैं जो हमें एनिमल से मिलते हैं और जिन्हें हम ईट करते हैं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वाई इज़ मिल्क कंसिडर्ड एज अट्रीशियस फूड राइट द नेम्स ऑफ एनी थ्री एनिमल्स डेट गिवस मिल्क कि मिल्क को एज अ न्यूट्रीसीस फूड कंसिडर्ड क्यों किया गया है फूड को न्यूट्री यानी कि पोशक सारे पोषक तत्वों वाला भोजन क्यों बोला जाता है ऐसा बोलते हैं न कि अगर वन ग्लास अगर आप दूध भी पी लेते हैं तो आप उससे आपको बहुत सारे वाइटामस ठीक है कैल्शियम प्रोटीन सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं ठीक तो इनफ होता है अगर अगर आपको दिन में अगर कुछ भी नहीं मिला है तो अगर आपने दूध भी पिया है तो वो भी आपकी कही कहीं ना कहीं बैलेंस कर देता है बट ऐसा नहीं है आपको सारी चीज़ें खानी होती हैं ओके तो बिकॉज मिल्क इज़ अ रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम वाइटामिन एंड प्रोटीन्स ठीक है देयर इट इज़ कंसिडर्ड एज अ न्यूट्रिएंट्स यानी कि हेल्दी फूड ठीक है ये इसलिए होता है क्योंकि दूध को दूध जो है हमारा एक बहुत रिच सोर्स होता है मतलब बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम का एक सबसे ज़्यादा कैल्शियम आपका दूध में पाया जाता है तो दूध के अंदर कैल्शियम वाइटामस एंड प्रोटीन सारी चीज़ें रहती है इसलिए इसलिए इसको एज न्यूट्रिशियस हेल्दी फूड कंसिडर किया जाता है ठीक है एनिमल्स दैट गिव्स अस मिल्क आर जो जानवर हमें दूध देते हैं वो हैं काव वफेलोज कॉड्स ठीक है गाय भैंस और बकरी ये हमें दूध देने वाले जानवर होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वाट आर मिल्क प्रोडक्ट लिस्ट एनी फाइव मिल्क प्रोडक्ट दैट वी ईट वाट आर मिल्क प्रोडक्ट मिल्क प्रोडक्ट क्या होते हैं और फाइव आपको मिल्क प्रोडक्ट के नाम लिखने हैं जो हम उन्हें खाते हैं ठीक है मिल्क इज़ अ मिल्क इज़ यूज टू मेक मैनी अदर प्रोडक्ट विच आर कॉल्ड डेयरी प्रोडक्ट दूध का यूज दूध का उपयोग हम पी सिर्फ दूध एज अ दूध नहीं करते एज अ मिल्क ही उसको सिर्फ नहीं टेक इन करते हैं हम उसको डिफरेंट वेज़ में भी टेक इन करते हैं मतलब उनको अलग अलग तरीक़ों से भी लेते हैं तो उन, उन्हें हम जो कि क्या कहलाते हैं हमारे डेयरी प्रोडक्ट बोलते हैं ठीक है उनको डेयरी प्रोडक्ट बोल बोला जाता है सम डेयरी प्रोडक्ट्स आर उनमें से कुछ डेयरी प्रोडक्ट कौन कौन से हैं ये हैं आपके पनीर कर्ड बटर चीज़ एंड घी ठीक है पनीर दही ठीक मक्खन घी चीज़ ठीक है छाछ और बहुत सारी मतलब इसको हम इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें बना के हम इसको यूज़ करते हैं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स डिस्क्राइब हाउ एनिमल्स कैन बी ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू द फूड दे ईट एग्जाम्पल uh, के साथ आपको बताना है नीचे एग्जाम्पल uh, के साथ आपको डिस्क्राइब करना है कि एनिमल्स को कैसे ग्रुप किया जाता है अकॉर्डिंग टू द फूड दे ईट जो खाना वो खाते हैं उनके अकॉर्डिंग उनको ग्रुप uh, में कैसे डिवाइड किया गया है ठीक है इसको डिस्क्राइब करना है आंसर इज एनिमल ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड जो जानवर होते हैं वो अलग अलग तरीके के भोजन खाते हैं बेस्ड ऑन द फूड दे ईट एनिमल कैन बी ग्रुपड और उनके खाने के तौर मतलब खाने की जो खाना वो खाते हैं ठीक है उसके बेस पर हम उनको एनिमल को अलग अलग ग्रुप में आ, डिस्क्राइब कर सकते हैं अलग अलग ग्रुप में उनको रखा जाता है फ़र्स्ट है हमारा नेक्स्ट हमारा आता है सबसे पहले आता है हमारा हार्वीवर्स हार्वीवर्स होता है हमारा शाकाहारी शाकाहारी जानवर होते हैं क्या होता है ओनली प्लांट ईटर एनिमल्स होते हैं ये केवल प्लांट्स पर ही सर्वाइव करते हैं ओके ये प्लांट्स पर ही सर्वाइव करते हैं इसके अलावा ये कुछ नहीं खाते सेकेंड आता है हमारा कार्निवर्स कार्निवर्स होता है फ्लैश ईटर फ्लैश ईटर्स यानी कि जो मांस खाने वाले जानवर होते हैं जैसे कि आपके लॉइन है फॉक्स है वॉल्फ है ठीक है टाइगर है ये क्या करते हैं ये ओनली फ्लैश uh, ही खाते हैं दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं ये घास खाते, है खाते हैं कभी घास नहीं खाते केवल मांस खाते हैं इसलिए इनको कार्निवर्स बोला जाता है और कार्निवर्स को फ्लैश ईटर्स एनिमल यानी कि मांस खाने वाले जानवर बोला जाता है नेक्स्ट हमारा आता है ओमनीवर्स ओमनीवर्स होते हैं सर्वाहारी मतलब यानी कि सब चीज़ें खाने वाले लाइक फीड ऑन प्लांट एंड एनिमल्स बोथ जो कि दोनों ही चीज़ों पर जो कि पौधे भी खा सकते हैं और प्लांट्स को भी खाते हैं दोनों ही चीज़ें खाते हैं ठीक है तो ये आ जाते हैं क्रो है आपका बीयर्स है ठीक है भालू है कोआ है ये दोनों चीज़ें खा लेते हैं भालू घास भी खाता है मांस भी खाता है कौआ आपकी रोटी भी खाता है सब्जी भी खाता है और आपके मांस भी मांस को भी खा लेता है ठीक है तो ये ओमनीवर्स सर्वाहारी सब कुछ खाने वाले जानवर होते हैं फीड ऑन प्लांट एंड एनिमल्स फ्लैश ठीक है दोनों पे ही करते हैं नेक्स्ट हमारा आता है स्केवेंजर इसकेवेंजर होते हैं स्केवेंजर होते हैं फीड ऑन डेड एनिमल्स जो कि जो जानवर मरे हुए जानवरों के ऊपर फीड करते हैं ठीक है ओनली मरे हुए जानवरों को खाते हैं वो जिंदा जानवरों को नहीं मतलब इतना वो करते हैं वो मरे हुए जानवरों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं मरे हुए जानवर के मांस को खाते हैं उसे हम इस्केजर बोलते हैं इसकेवेंजर जो होता है हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने में भी हमारी हेल्प करती है ठीक है स्किवेंजर्स एंड डिकम्बोजर्स बोथ ये दोनों ही ठीक है नेक्स्ट हमारा है डिकम्पोजर्स डिकम्पोजर्स होता है लिविंग ऑर्गेनिज एक्ट ऑन प्लांट एंड एनिमल्स तो जो uh, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे छोटे छोटे बहुत ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ठीक है वो uh, क्या करते हैं कि वो लिविंग uh, जो मरे हुए जानवर पौधे होते हैं उनको सड़ाने गलाने का, का काम करते हैं ठीक है ये सड़ाने गलाने का जो काम करते हैं वो डिकम्पोजर्स का होता है ठीक है जो डेड रिमेनिंग पार्ट रह जाता है जैसे कि आपने देखा होगा कभी भी कोई भी जानवर मर जाता है तो मरने के बाद उसके मांस को जो बड़े बड़े जानवर हैं जो इसके वेंजर्स होते हैं ईगल वल्चर्स ये ईट करते हैं उसके बाद जब वो काफ़ी टाइम हो जाता है तो वो सड़ने लग जाता है उसमें छोटे बहुत मतलब कीड़े पड़ जाते हैं तो जो कीड़े पड़ जाते हैं जो आपके उनको हम फंगाई बैक्टीरिया ठीक है ये होते हैं तो ये उसको क्या करते हैं उसको रिमेनिंग पार्ट को ख़त्म करने का काम करते हैं और ये भी अपना एक अलग रोल प्ले करते हैं हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने में ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर एट है व्हाट आर हारवीवर्स एनिमल्स गिव थ्री एग्जांपल ऑफ एग्जांपल्स एंड मेंशन देयर स्पेशल फीचर्स दैट हेल्प देम फीड तो वाट आर हार्विवर्स एनिमल हार्वीव शाकाहारी जानवर क्या होते हैं और आपको तीन एग्जाम्पल देने हैं और मैंशन करना उनका स्पेशल फीचर जो उनको खाने में हेल्प करता है ओके okay? आंसर है आपका इज़ द आंसर एनिमल दैट ईट ओनली प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट आर कॉल्ड हार्बीवर्स अभी मैंने आपको बताया था कि हार्वीवर्स क्या होते हैं प्लांट ईटर्स एनिमल होते हैं जो केवल पौधे ही ईट करते हैं तो आ, एनिमल्स जहा वो जानवर जो केवल पौधे और पौधे वाले प्रोडक्ट ही खाते हैं उनको हम हार्वीवर्स यानी कि शाकाहारी जानवर कहते हैं फॉर एग्जाम्पल काउस वफेलोज एंड डियर ठीक है गाय भैंस बकरी ठीक है भेड़ और हिरण खरगोश ठीक ऊंट हाथी ये प्लांट ईटर्स एनिमल्स होते हैं ये ओनली प्लांट्स को ही ईट करते हैं हार्विवस सच एस काउस वोस ब्रिंग बैक प्रीवियसली स्वेलोड फूड टू द माउथ फॉर चूइंग इन थ्रू ठीक है चुइंग इट इट है इट है यहाँ पे थ्रूंग इट थ्रूली ली चुइंग इट थ्रू ली या हार्विवस शाकाहारी जानवर जैसे कि आपके गाय भैंस ठीक है ये अपने खाने को पीछे ले जाते हैं और उसको पूरा चबाते हैं चबाने चवा, के बाद उसको पूरा चबाने के बाद उसे अंदर स्वेलन कर लेते हैं यानी कि निगल जाते हैं ठीक है ये इनकी स्पेशल फीचर्स होता है ठीक दिस हेल्प देम टू एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ़ द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द हार्ड टू डाइजेस्ट फूड सच एज ग्रास तो ये पूरी तरह से उस खाने को पूरी तरह से चबाना ठीक है ये इसको, और उसको निगल जाना ये ह, उनको हेल्प करता है कि उस पौधे के अंदर जितने भी न्यूट्रीस न्यूट्री एंट्स हैं जितने भी पोषक तत्व हैं उनको एब्जॉर्व करने में हार्ड टू डाइजेस्ट करने में जो कि मतलब हार्ड फूड होते हैं लाइक ग्रास सूखी घास भी जानवर खा लेते हैं कभी कभी सूखी सी हो जाती है हार्ड भी होती है सॉफ्ट uh, भी होती है तो हार्ड टू डाइजेस्ट फूड सच एज ग्रास तो घास में से जितने भी पोषक तत्व होते हैं उनको एब्जॉर्व करने में हेल्प करते हैं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वाट आर कार्नीवर्स एनिमल्स क्वेश्चन नंबर नाइन है आपका वाट आर कार्निवर्स एनिमल गिव थ्री एग्ज़ाम्पल ऑफ कार्निवर्स एंड मैंशन देयर स्पेशल फीचर दैट हेल्प दैम फीड ओके वाट आर कार्निवल्स मांसाहारी जानवर क्या होते हैं उनके भी थ्री एग्ज़ाम्पल्स आपको देने हैं कार्निवर्स एनिमल के और मैंशन करना उनका स्पेशल फीचर्स जो उनको खाना खाने में हेल्प करता है तो एनिमल्स आंसर है आपका एनिमल्स दैट ईट ओनली द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवर्स जब वो जानवर जो केवल दूसरे जानवरों के मांस को खाने पर ही डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए दूसरे जानवरों के मांस पर डिपेंड करते हैं उनको हम कार्निवर्स एनिमल्स बोलते हैं ओके फॉर एग्जांपल मैंने आपको पहले भी बताया था फॉर एग्जांपल हमारा है लॉइन टाइगर फॉल्फ शेर चीता भेड़िया लोमड़ी ठीक है जयकाल सियार जो होता है ये सारे जो हैं आपके कार्निवर्स एनिमल्स होते हैं इनका स्पेशल फीचर्स क्या होता है कार्निवर्स सचेज टाइगर एंड लॉयस टियर देयर फ्लैश ऑफ प्रे थ्रू शार्प पॉइंटेड टीथ एंड शार्प क्लॉज दे ऑल्सो है पावरफुल जोस कार्निवर्स मांसाहारी जानवर जैसे कि आपके चीता शेर ची, है चीता है ठीक है ये अपना जो इनका शिकार है उसके माँस को फाड़ देते हैं पूरा अपने शार्प पॉइंटेड टीथ जो उनके बहुत ही नुकीले तेज हाथ दांत होते हैं उससे अपने उस माँ और आ, शार्प क्लॉज जो पंजा उनका पंजा भी उनका बहुत आ, शार्प होता है बहुत नुकीला होता है ठीक है तो आ, उस अपने पंजे से और शार्प पॉइंटेड टीथ से उस फ्लैश को फाड़ देते हैं दे ऑल्सो हैव पावरफुल जॉ और उनके पास एक बहुत ही पावरफुल जॉ होता है जो उस मांस को ठीक है चबाने में कार्निवर्स एनिमल्स की हेल्प करता है ओके क्वेश्चन नंबर टेन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर ओमनीवर्स गिव टू एग्जांपल्स ओमनीवर्स क्या होते हैं सर्वाहारी जानवर किसे बोलते हैं गिव टू एग्जांपल उनके दो एग्जांपल्स हमें बताने हैं ओके एनिमल्स दे ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवर्स ठीक है जानवर जो कि जानवर जो कि प्लांट एंड एन, एनिमल्स फ्लैश दोनों ही चीज़ें खाते हैं उन्हें हम ओमनीवर्स कहते हैं जैसे कि आपके बियर्स एंड क्रोज फॉर एग्जांपल आपका भालू और कौ ये दोनों जो हैं दोनों ही चीज़ें ईट करते हैं आपके प्लांट्स को भी ईट करते हैं और जानवरों के मांस को भी खा सकते हैं क्वेश्चन नंबर एलेवन है व्हाट आर इसके वेंजर्स गिफ्ट टू एग्जाम्पल इसकेवेंजर्स क्या होते हैं उनके दो एग्जांपल्स देने हैं आपको आंसर है हैज़ द आंसर एनिमल्स दैट ईट ओनली डेड एनिमल्स आर कॉल्ड स्केवेंजर्स वो जानवर जो केवल डेड एनिमल्स को ही खाते हैं मतलब मरे हुए जानवरों के मांस को ही खाते हैं उन्हें हम इसकेवेंजर्स कहते हैं ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल वल्चर्स एंड ईगल्स जो आपके बाज और चील होती हैं ये मरे हुए जानवरों के मांस को खाते हैं ओके ये अपना शिकार मोस्टली नहीं करते हैं ये लेकिन लॉइन टाइगर्स जो होते हैं ये अपना शिकार खुद करते हैं लेकिन इसके वेंजर्स जो होते हैं वो मरे हुए जानवरों को ही खाते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हियर इज़ द लास्ट क्वेश्चन है आपका वाट आर डिकम्पोजर्स ठीक है गिव टू एग्जाम्पल डिकम्पोजर्स क्या होते हैं उनके दो एग्ज़ाम्पल्स हमें बताने हैं ओके ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड प्लान्टिकम्पोज दैम आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स एनिमल्स दैट फीड ऑन डेड एनिमल्स जो ऑर्गेनिज्म जो छोटे छोटे जीव ठीक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो केवल डेड एनिमल मरे हुए पेड़ मरे हुए जानवर और पेड़ जो होते हैं मतलब तो पेड़ जो पत पेड़ों के पत्ते जो गिर जाते हैं ज़मीन पर नीचे कुछ समय बाद वो डिकम्पोज होकर ज़मीन के अंदर मिल जाते हैं तो उनको डिकम्पोज करने में जो हेल्प करते हैं उन्हें हम डिकम्पोज़र्स कहते हैं मतलब सड़ाने गलाने और उसको पूरा ख़त्म करने में जो काम करते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज़्म होते हैं ठीक है तो फॉर एग्ज़ाम्पल फंगाई एंड वैक्टीरिया तो जो क्या है फंगे एंड बैक्टीरिया जो होते हैं ये डिकम्पोज़र्स होते हैं और हमारी हेल्प करते हैं आप आ, हेल्प करते हैं आपके जो डेड एनिमल्स एंड प्लांट होते हैं उनको डिकम्पोज करने में सो हियर इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर फर्स्ट क्वेश्चन आंसर ठीक है यहाँ मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर्स का एक्सप्लेनेशन किया है तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी ठीक है और इसलिए कीप रिवाइजिंग कीप लर्निंग ओके